हेलो डियर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जूलॉजी, बेसिक पार्ट टू, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, टॉपिक है डेंटिशन इन मैमल्स। एमएससी के बच्चों में भी आता है ये। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जूलॉजी फर्स्ट पेपर में डेंटिशन इन मैमल्स टॉपिक है डेंटिशन इन मैमल्स, है ना। मैमल्स में टीथ का टाइप, टीथ के फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। टीथ जॉस पर पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट का मेन फीचर है टीथ का प्रेजेंट होना। टीथ होमोडोंट या हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब एक जैसे टीथ होते हैं तो होमोडोंट कहते हैं, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं तो हेट्रोडोंट कहते हैं। तो टीथ जॉस पर पाए जाते हैं, ठीक है। टीथ का फंक्शन क्या है तो आप हैंड डालिए, डेंटिशन इन मैमल्स। इनवर्टेड कॉमा लिखें, टीथ आर फाउंड ऑन द जॉ बोन्स, टीथ फाउंड ऑन द जॉ बोन्स। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज नोन एज डेंटिशन। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉ बोन्स इज नोन एज डेंटिशन, ठीक है। मैमल्स में हेट्रोडोंट टीथ होते हैं, हेट्रोडोंट टीथ फाउंड इन मैमल्स। नेक्स्ट है नलिका, फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन लिखे टीथ का, टू होल्ड द प्रे, टू होल्ड द फूड। टीथ से एनिमल फूड को पकड़ते हैं, प्रे को पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखें, टू कट एंड ग्राइंड द फूड, फूड को काटते भी हैं और फूड को ग्राइंड भी करते हैं, ठीक है। टू कट एंड ग्राइंड द फूड, ठीक है। ब्रेक में दीजिएगा, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है, टीथ डिफेंस का भी काम करते हैं, ठीक है। टीथ ऑफेंस और डिफेंस का भी काम करते हैं, टीथ सर्व एज ए ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन, टीथ ऑल्सो सर्व एज ए ऑफेंस एंड डिफेंस ऑर्गन। टीथ एज को भी डिटरमिन करते हैं, टीथ ऑल्सो डिटरमिन द एज ऑफ एनिमल्स, टीथ एज को भी डिटरमिन करते हैं, एज, टीथ ऑल्सो डिटरमिन द एज ऑफ एनिमल्स। टीथ है ना, माउथ को एक डेफिनेट शेप देते हैं, टीथ प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द माउथ, ठीक है। टीथ है ना, माउथ को या बक्कल कैविटी को एक डेफिनेट शेप देते हैं, टीथ प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द बक्कल कैविटी। इसके अलावा फंक्शन बताइए। देखिए, टीथ से हम भोजन को पकड़ते हैं या प्रे को पकड़ते हैं, टीथ के द्वारा हम भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, ग्राइंडिंग, चीविंग, ओके। टीथ ग्राइंडिंग या चीविंग हो गया, और क्या बताया था मैंने आपको, टीथ ऑफेंस और डिफेंस का भी काम करते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब परेशान करो तो दांतों से काट लेता है, है ना, तो ऑफेंस और डिफेंस। टीथ बक्कल कैविटी को एक डेफिनेट शेप देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन बताइए। टीथ से एनिमल की एज का पता भी चलता है। तो टीथ आल्सो डिटरमिन द एज ऑफ एनिमल्स। एक फंक्शन रह गया, टीथ हेल्प इन स्पीक,
टीथ बोलने में सहायता करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं. टीथ हेल्प इन स्पीक एंड प्रोनाउंसिएशन. टीथ प्रोनाउंसिएशन में और बोलने में भी हेल्प करते हैं. ये टीथ के आप फंक्शन पढ़ रहे थे और टीथ की जो सिग्निफिकेंस है, टीथ आल्सो गिव द आइडिया ऑफ पेडिग्री और एंसेस्ट्री. टीथ से हमें एंसेस्ट्री का, पेडिग्री का भी पता चलता है. ठीक है, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. टीथ आल्सो प्रोवाइड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ठीक है, पेडिग्री और एंसेस्ट्री. ठीक है, तो टीथ हम क्या देते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं या पेडिग्री, PEDIGRE, पेडिग्री. ठीक है, तो टीथ प्रोवाइड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और पेडिग्री. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, टूथलेस मैमल्स, TOOTHLESS, टूथलेस मैमल्स. ऐसे मैमल जिनमें कि दांत नहीं है, टीथ एब्सेंट. ठीक है, जिनमें दांत एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल है स्पाइनी आंटीटर, एकिडिना बोलते हैं इसको हम, एकिडिना. ब्रैकेट में दीजिएगा प्रोटोथीरियन. नेक्स्ट है डक बिल प्लेटिपस, DUCK. ब्रैकेट में लिखें ऑर्निथोनिकस, ORNITHORYNCHUS, ऑर्निथोरिंकस. डबल प्लेटिपस ब्रैकेट में क्या है, ऑर्निथोरिंकस. ठीक है, टूथलेस, ये भी टूथलेस है, इनमें दांत नहीं पाए जाते हैं. और प्रोटोथीरियन है, मतलब एग लेइंग मैमल ही है, प्रोटोथीरियंस हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मिरमेकोफेगा, MYRMECOPHAGA, मिरमेकोफेगा. ठीक है, ये भी आंडीटर है, मिरमेकोफेगा आंडीटर है. और व्हेल है ना, ब्लू व्हेल. ठीक है, ब्लू व्हेल में टीथ नहीं होते हैं, टीथ की जगह बेलीन होता है उसमें. ठीक है, तो ब्लू व्हेल ब्रैकेट में दीजिएगा, टीथ रिप्लेस्ड बाय बेलीन. वहाँ पे टीथ बेलीन से रिप्लेस होते हैं, बेलीन, BALEEN. नेक्स्ट पॉइंट है डेंटल फार्मूला. हम टीथ के अरेंजमेंट को डेंटल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. डेंटल फार्मूला पढ़ने से पहले हम टीथ के टाइप पढ़ लें, है ना. तो पहले लिखें टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन. टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन. ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी. पहली हेडिंग है होमोडोंट. होमोडोंट मतलब सारे टीथ सिमिलर होते हैं, सिमिलर टीथ. होमोडोंट में लिखे हैं सिमिलर टीथ. ठीक है, सारे टीथ कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो होमोडोंट टीथ फाउंड इन डॉल्फिन, एरमेडिलोज. होमोडोंट टीथ फाउंड इन डॉल्फिन, एरमेडिलोज, ARMADILOS, आर्मेडिलोज. एंड पोरपॉइस, PORPOISES. ठीक है, एंड स्पर्म व्हेल. नेक्स्ट हेडिंग है हेटरोडोंट टीथ. देखिए, हेटरोडोंट टीथ शेप और साइज के बेस पर टीथ है ना, चार तरह के होते हैं. टीथ आर ऑफ फॉलोइंग फोर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप साइज एंड फंक्शन. टीथ शेप साइज और फंक्शन के बेस पर चार तरह के होते हैं. पहला है इंसाइजर. ठीक है, इंसाइजर, INCISOR, इंसाइजर टीथ. दूसरा है कैनाइन. तीसरा प्रीमोलर और फोर्थ है मोलर. इंसाइजर है ना, INCISOR. ब्रैकेट में दीजिएगा फ्रंट टीथ, फ्रंट, FRONT, फ्रंट टीथ, इंसाइजर. ठीक है, इंसाइजर सिंगल रूट टीथ हैं,
सिंगल रूटेड टीथ, देखिए इंसाइजर्स आर सिंगल रूटेड टीथ. नेक्स्ट पॉइंट मोनोकस्पिड, मोनोकस्पिड MONOCUSPID मोनोकस्पिड एंड लॉन्ग, ठीक है. इंसाइजर्स आर कर्व्ड एंड शार्प एज, देखिए इंसाइजर कर्व्ड होते हैं, इंसाइजर आर स्लाइटली कर्व्ड CURVED विथ शार्प एज, विथ शार्प एज, इनमें शार्प एज पाई जाती है SHARP एज EDGE. इंसाइजर एडेप्टेड फॉर सीजिंग कटिंग एंड बाइटिंग, इंसाइजर सीजिंग SEIZING सीजिंग SEIZING सीजिंग कटिंग और बाइटिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं. इंसाइजर अडेप्टेड फॉर सीजिंग कटिंग एंड बाइटिंग. इंसाइजर अपर और लोअर जॉ दोनों प्रेजेंट होते हैं, इंसाइजर प्रेजेंट ऑन बोथ जॉ अपर एंड लोअर. रोडेंट्स में इंसाइजर कंटिन्यू ग्रो करते हैं, इन रोडेंट्स इंसाइजर ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. रोडेंट्स में इंसाइजर होल लाइफ ग्रो करते हैं, इन रोडेंट्स इंसाइजर ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ. स्लॉथ SLOTHS स्लॉथ में इंसाइजर एब्सेंट होते हैं, इंसाइजर टोटली एब्सेंट इन स्लॉथ SLOTHS स्लॉथ में इंसाइजर एब्सेंट होते हैं. ऑक्स या बुल, बुल के अपर जा में इंसाइजर नहीं होते, इंसाइजर एब्सेंट ऑन द अपर जा, इंसाइजर एब्सेंट ऑन द अपर जा. एग्जाम्पल लिखें ऑक्स, एग्जाम्पल लिखेंगे आप ऑक्स. इंसाइजर डेंटिकुलेट होते हैं, इंसाइजर आर डेंटिकुलेट लाइक ए कॉम, इंसाइजर आर डेंटिकुलेट लाइक ए कॉम COMB है ना. एग्जाम्पल लेंगे जैसे लीमर में LEMUR लीमर, ठीक है. एलिफेंट में इंसाइजर टस्क में मॉडिफाइड होते हैं, इन एलिफेंट इंसाइजर गेट मॉडिफाइड इन टू टस्क, एलिफेंट में इंसाइजर टस्क में मॉडिफाइड होते हैं, ठीक. इन एलिफेंट इंसाइजर गेट मॉडिफाइड इन टू टस्क TUSK टस्क है ना. अपर इंसाइजर एलिफेंट में अपर इंसाइजर टस्क में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है रोडेंट, समझते हैं ना. रोडेंट्स जैसे रैट होते हैं उनके इंसाइजर लगातार बढ़ते रहते हैं. मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कि टीथ की पोजीशन कहाँ कहाँ पे है. देखिए ये मैंने जॉ बनाया, ठीक है, और ये गम है, ठीक है. इसमें जो सामने की तरफ टीथ होते हैं यहाँ पर उनको हम बोलते हैं इंसाइजर, ये टीथ कहलाते हैं इंसाइजर, ठीक है. और साइड में जो टीथ आते हैं, देखिए ये हल्का सा कॉनिकल होता है तो इसे बोलते हैं कैनाइन, ये कैनाइन होते हैं. इंसाइजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कैनाइन को सी से, ठीक है. इसके बाद टीथ होता है यहाँ पे प्रीमोलर, ये प्रीमोलर है, ठीक है. यहाँ पे पोजीशन किसकी होती है, प्रीमोलर की होती है, ठीक है. ये प्रीमोलर टीथ हो गए, ठीक है. इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, ठीक है. और लास्ट में जो टीथ होते हैं वो कहलाते हैं मोलर, ठीक है. लास्ट के टीथ को हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं.
देखिए यहाँ पे ये मोलर आ गए, ठीक, प्री मोलर और लास्ट में हो गया ये मोलर, ठीक है मोलर। इंसाइजर टू कैनाइन विथ प्री मोलर एंड मोलर, है ना, इन तीनों को हम बोलते हैं मोलर। जो लास्ट मोलर होता है ना इसको विजडम टूथ भी बोलते हैं, विजडम टूथ इसको बोल देते हैं विजडम टूथ, ठीक है। ये मैंने ह्यूमन जॉ का डायग्राम बना दिया है, डायग्राम जो है ह्यूमन जॉ का है, ठीक है। तो पोजीशन दिखा रहा था मैं, ये इंसाइजर है, यहाँ पे कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है और फिर ये मोलर है, ठीक है, ये हो गया मोलर। ये मैंने जॉस पर टीथ की पोजीशन को शो किया है, ठीक है। अब लोगे ना इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। नेक्स्ट है ये आप कैनाइन, ठीक है, कैनाइन सी ए एन आई एन ई, कैनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, ठीक है, कैनाइन रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। कैनाइन इलोंगेटेड सिंगल रूटेड, कैनाइंस इलोंगेटेड सिंगल रूटेड टीथ। कैनाइन कैसे हैं, इलोंगेटेड हैं और सिंगल रूटेड हैं। कैनाइन में कॉनिकल शार्प मोनोकस्पिड क्राउन पाया जाता है, कैनाइन में कॉनिकल शार्प मोनोकस्पिड क्राउन पाया जाता है, कैनाइन विद ए कॉनिकल शार्प मोनोकस्पिड क्राउन, मोनोकस्पिड एम ओ एन ओ सी यू एस पी आई डी, मोनोकस्पिड क्राउन पाया जाता है। इनका फंक्शन लिखें, फंक्शन फंक्शन का लिखें टेस्ट करके, पियर्सिंग पी आई ई आर सी आई एन जी पियर्सिंग, टीयरिंग टी ई ए आर आई एन जी टीयरिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस ओ डबल एफ ई एन सी ई ऑफेंस एंड डिफेंस डी ई एफ ई एन सी ई ऑफेंस एंड डिफेंस। इन कार्निवोर मैमल्स, कार्निवोर मैमल्स में कैनाइन लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं, इन कार्निवोर मैमल्स कैनाइंस आर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड, ठीक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्पीयर लाइक एस पी ई ए आर स्पीयर लाइक, ठीक है, एंड यूज टू टियरिंग द फ्लैश, और इनको उपयोग फ्लैश को, है ना, फ्लैश को काटने में करते हैं, केयर टियरिंग, है ना, फ्लैश की टियरिंग में करते हैं, कैनाइन आर यूज टू टियरिंग द फ्लैश, ठीक है। मस्क डियर में मस्क एम यू एस के मस्क डियर डी डबल ई आर मस्क डियर के अपर जा में केवल कैनाइन होते हैं, कैनाइन आर प्रेजेंट ओनली इन अपर जा इन मेल मस्क डियर, मेल मस्क डियर मेल मस्क डियर के अपर जा में कैनाइन होते हैं, ठीक है, दे आर कैनाइन आर प्रेजेंट इन अपर जा इन मेल मस्क डियर, ठीक है। वॉलरस में अपर कैनाइन लंबे होते हैं, इन वॉलरस अपर कैनाइन आर लॉन्ग। हर्बीवोर में कैनाइन एब्सेंट होते हैं, कैनाइन आर एब्सेंट इन हर्बीवोर, ठीक है, जैसे रोडेंट्स में, ठीक है, एंगुलेट्स में यू एन जी यू एल ए टी एस एंगुलेट्स में कैनाइन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच के गैप को डायस्टमा कहते हैं, डी आई ए एस टी ई एम ए डायस्टमा, मतलब टूथ गैप बिटवीन द इंसाइजर एंड प्रीमोलर, इंसाइजर एंड प्रीमोलर। एक मिनट में समझाता हूँ आपको।
देखिए, जैसे ये जॉ है, इस जॉ में देखिए यहाँ पे ये इंसाइजर हैं और फिर बाद में क्या है, ये प्रीमोलर आ गया, ये टीथ आ गया प्रीमोलर। तो इंसाइजर और ये है प्रीमोलर, इसके बीच में जो गैप है इस गैप को कहते हैं डायस्टमा। ये गैप जो कहलाता है, इस गैप क्या कहेंगे हम, डायस्टमा, ये डायस्टमा कहलाता है। ठीक है, तो गैप बिटवीन द इंसाइजर एंड प्रीमोलर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टमा कहते हैं, डी आई ए एस टी एम ए, डायस्टमा। डायस्टमा हर्बीवोर है ना, एंगुलेट्स में पाया जाता है या रोडेंट्स में, जैसे रैबिट, रैबिट में डायस्टमा मिलता है। नेक्स्ट हंडी आप इंसाइजर हो गए, कैनाइन हो गए, तीसरे क्वेश्चन हंडी होंगे आप प्रीमोलर एंड मोलर, जिसे हम कहते हैं चीक टीथ, सी एच डबल ई के, चीक टीथ। कैनाइंस आर फॉलोड बाय प्रीमोलर एंड प्रीमोलर फॉलोड बाय मोलर, कैनाइन के बाद प्रीमोलर आते हैं और प्रीमोलर के बाद मोलर आते हैं, ठीक है, और दोनों को मिला के कह देते हैं हम चीक टीथ। बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड चीक टीथ, दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, चीक टीथ कह देते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों को मिला के हम, इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, चीक टीथ, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर दोनों मिला के हम कहते हैं चीक टीथ, इसको लिख सकते हैं आप चीक टीथ, ठीक है। क्राउन, ये क्राउन विद ब्रॉड सरफेस, क्राउन पर ब्रॉड सरफेस पाई जाती है, क्राउन विद ब्रॉड सरफेस, क्राउन पर ट्यूबरकल्स होते हैं, क्राउन विद ब्रॉड सरफेस एंड ट्यूबरकल्स, टी यू बी ई आर सी एल एस, ट्यूबरकल्स, ठीक है। दीज आर एडेप्टेड फॉर, ये क्रशिंग ग्राइंडिंग और चीविंग के लिए एडेप्टेड होते हैं, दीज आर एडेप्टेड फॉर क्रशिंग, सी आर यू एस एच आई एन जी, क्रशिंग ग्राइंडिंग एंड चीविंग, ये क्रशिंग ग्राइंडिंग और चीविंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। प्रीमोलर में दो रूट्स और दो कप्स होते हैं, प्रीमोलर्स हैव टू रूट्स, आर डबल ओ टी एस, दो रूट्स और दो कस्प होते हैं, प्रीमोलर्स हैव टू रूट्स एंड टू कस्प, सी यू एस पी एस, सी यू एस पी एस, ठीक है। प्रीमोलर में दो रूट्स होते हैं और दो कस्प होते हैं, मोलर्स में रूट की संख्या दो से ज़्यादा होती है, मोलर्स हैव मोर देन टू रूट्स, मोलर्स हैव मोर देन टू रूट्स, मोलर्स में रूट की संख्या दो से ज़्यादा है और कस्प की संख्या भी दो से ज़्यादा है, ठीक है। एंड सेवरल कस्प, कस्प सी यू एस पी एस, सी यू एस पी एस, ठीक है। इन कार्निवोर लास्ट, कार्निवोर में अपर जा का लास्ट प्रीमोलर, इन कार्निवोर लास्ट प्रीमोलर इन अपर जा, लास्ट प्रीमोलर इन अपर जा एंड फर्स्ट मोलर इन लोअर जा, और लोअर जा का फर्स्ट मोलर, ठीक है, लोअर जा का फर्स्ट मोलर, ठीक है, हैव वेरी शार्प कस्प, में शार्प कस्प पाए जाते हैं और इन्हें हम कार्नेशियल टीथ कहते हैं, एंड कॉल्ड कार्नेशियल टीथ, अंडरलाइन कर लें इस पॉइंट को, कार्नेशियल टीथ कहते हैं, सी ए आर एन ए डबल एस आई ए एल, कार्नेशियल टीथ कहते हैं, और कार्नेशियल टीथ बोन्स को क्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं, कार्नेशियल टीथ, टीथ आर यूज टू ब्रेक द बोन्स, बोन्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और टेंडोंस को टेयरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो यूज टू टेयरिंग द टेंडोंस, टी ई ई एन डी ओ एन एस, स्पेलिंग से कीजिएगा, टेंडोंस, टी ई एन डी ओ एन एस, टेंडोंस को टीयर करने के लिए कार्नेशियल टीथ का यूज़ किया जाता है। लीमर में, इन लीमर
फर्स्ट प्रीमोलर कैनाइन किधर होते हैं? लीमर में, एल ई एम यू आर, लीमर में फर्स्ट प्रीमोलर कैनाइन किधर होते हैं? इन लीमर फर्स्ट प्रीमोलर लाइक टू द कैनाइन, कैनाइन किधर होते हैं? देखिए ह्यूमन बींग्स में, इन ह्यूमन बींग लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टूथ। ह्यूमन बींग में है ना, लास्ट मोलर को विजडम टूथ कहते हैं। विजडम टूथ आम भाषा में कहते हैं नहीं, अक्कलदाड़, ये अक्कलदाड़ विजडम टूथ। ठीक है, ह्यूमन बींग में लास्ट मोलर को विजडम टूथ कहा जाता है, अक्कलदाड़ कहा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चीक टीथ है ना, ये टाइप्स ऑफ चीक टीथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर शेप एंड अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर शेप एंड अरेंजमेंट। ठीक है, चीक टीथ के जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं वो कस्प के अरेंजमेंट, शेप और नंबर के बेस पर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ कस्प, CUSPS, CUSPS, कस्प। पहले हेडिंग है ट्राइकोनोडोंट, ट्राइकोनोडोंट, TRICONODONT, ट्राइकोनोडोंट। ठीक है, ट्राइकोनोडोंट फॉसिल्स मैमल से पाए जाते थे, वर ट्राइकोनोडोंट वर फाउंड इन फॉसिल्स मैमल, फॉसिल्स मैमल्स। इनमें तीन कौन से, देखिए एक दो तीन, थ्री कौन से इसमें, ठीक है, ठीक है, थ्री कौनस वर प्रेजेंट एंड अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्राइकोनोडोंट फॉसिल्स मैमल्स पाए जाते थे, इसमें तीन कौनस थी वो भी एक लाइन में। ठीक है, तीन कौनस अरेंज इन ए लीनियर सीरीज, इन ए लीनियर सीरीज। ठीक है, नोट कर लिया अपने, ट्राइकोनोडोंट, ओके, थ्री कॉन्स वर प्रेजेंट एंड अरेंज इन ए लीनियर सीरीज। इनमें तीन कॉन्स पाई जाती थी जो कि लीनियर सीरीज में अरेंज थी। इसका एग्जांपल क्या है? फॉसिल्स मैमल्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग ट्राई टू, टी आर आई टी यू, बर्कुलेट, ट्राई टू बर्कुलेट, ध्यान दीजिए, ट्राई टू बर्कुलेट, टी आर आई टी यू बी ई आर सी यू एल ए टी ई, फाउंड इन फॉसिल्स मैमल्स, फॉसिल मैमल पाए जाते थे। थ्री कॉन्स या ट्यूबेकल्स प्रेजेंट, थ्री कॉन्स और ट्यूबेकल्स पाई जाती थी। ठीक है, थ्री कॉन्स या ट्यूबेकल्स पाई जाती थी इनमें। नेक्स्ट हेडिंग है बूनोडोंट, बी यू एन ओ डी एन टी, बूनोडोंट, बूनोडोंट है ना, ह्यूमन बींग्स में, मंकी में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए बूनोडोंट फाउंड इन दोज मैमल्स विच हैव मिक्स डाइट। बूनोडोंट उन एनिमल, उन मैमल्स से पाए जाते हैं जिनमें मिक्सड डाइट होती है, जो मिक्स डाइट को खाते हैं, एम आई एक्स ई डी, मिक्स डाइट, डी आई ई टी। एग्जाम्पल लिख दीजिए, ह्यूमन बींग्स मकाका, मकाका मीन्स बंदर, मकाका पिग एक्सेट्रा। क्राउन पर स्मॉल, लिखिए क्राउन विद स्मॉल, ठीक है, विद स्मॉल राउंडेड ट्यूबरकल्स, क्राउन पर स्मॉल राउंडेड ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं। और बूनोडोंट टीथ एडेप्टेड फॉर क्रशिंग, बूनोडोंट टीथ क्रशिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, बूनोडोंट टीथ एडेप्टेड फॉर क्रशिंग, सी आर यू एस एच आई एन जी। नेक्स्ट हेडिंग है सीकोडोंट टीथ, एस ई सी ओ डी ओ एन टी, सीकोडोंट टीथ, एस ई सी ओ डी ओ एन टी, सीकोडोंट टीथ। कार्निवोर पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन कार्निवोर, सीकोडोंट टीथ फाउंड इन कार्निवोर, सीकोडोंट टीथ कार्निवोर में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको मार्क कर लिया, ये सीकोडोंट टीथ है, सीकोडोंट टीथ फाउंड इन कार्निवोर। ठीक है, सीकोडोंट टीथ फाउंड इन कार्निवोर।
हाँ क्या अपने सिगोडॉन टीथ फाउंड इन कार्निवोर, देखिए टीथ विथ शार्प कटिंग एज, टीथ विथ शार्प कटिंग एज, टीथ पर शार्प कटिंग एज पाई जाती है, ई डी जी ई एस शार्प एज, टेयरिंग और कटिंग ठीक है के लिए अडेप्ट होते हैं। देखिए सिगोडॉन टीथ अडेप्टेड फॉर टेयरिंग एंड कटिंग ऑफ फ्लैश, सिगोडॉन टीथ अडेप्टेड फॉर कटिंग एंड टेयरिंग ऑफ फ्लैश। ये जो सिगोडॉन टीथ हैं ये फ्लैश मतलब मांस को टीयर भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से अडेप्टेड होते हैं। ये सिगोडॉन टीथ हैं, इसकी ये रूट है और ये क्या है कस्प है, ये रूट है और ये क्या है शार्प कस्प है ठीक है, इसे हम कस्प बोलते हैं ठीक है। तो शार्प इसमें कस्प आ जाती है जिससे ये मीट को फ्लैश को है ना टीयर भी कर लेते हैं और उसको काट भी लेते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग सेलेनोडोंट, एस ई एल ई एन ओ डी ओ एन टी सेलेनोडोंट, ये देखिए आप सेलेनोडोंट सेलेनोडोंट टीथ, देखिए सेलेनोडोंट टीथ या हम इसे कह देते हैं ब्रैकियोडोंट भी कह देते हैं, ब्रैकियोडोंट टीथ भी कह देते हैं, सेलेनोडोंट टीथ फाउंड इन हर्बीवोर ग्रेजिंग मैमल्स, हर्बीवोर ग्रेजिंग मैमल्स में पाए जाते हैं, अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के लिए अडेप्ट होते हैं, क्राउन विद वर्टिकल क्रिसेंटिंग कस्प, क्राउन विद वर्टिकल क्रिसेंटिक कस्प, क्राउन पे है ना क्राउन पर वर्टिकल क्रिसेंटिंग कस्प पाए जाते हैं, क्रिसेंटिक सी आर ई एस सी ई एन टी आई सी क्रिसेंटिक कस्प पाए जाते हैं, सी यू एस पी एस क्राउन विद वर्टिकल क्रिसेंटिक कस्प, सी आर ई एस सी ई एन टी आई सी हार्ड एनेमल, इनका एनेमल कैसा होता है हार्ड होता है, हार्ड एनेमल, लो क्राउन, इनमें लो क्राउन पाया जाता है, टीथ विद लो क्राउन, लो क्राउन टीथ हैं ये ठीक है, टीथ विद लो क्राउन, शॉर्ट रूट्स, इनकी रूट भी छोटी होती हैं, शॉर्ट रूट होती हैं इसलिए इन्हें ब्रैकियोडोंट भी कहते हैं ठीक, टीथ विद शॉर्ट रूट एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकियोडोंट बी आर ए सी एच वाई ओ डी ओ एन टी ब्रैकियोडोंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखे हैं ग्राउंड स्क्वायरल, ग्राउंड स्क्वेलर स्क्वायरल एस टी यू आई डबल आर ई एल ठीक है। लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स में, इन लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स ठीक है क्राउन लार्ज, इन लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स ठीक है लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स में सेलेनोडोंट टीथ विद लार्ज विद हाई क्राउन, देखिए जैसे लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स हैं उनमें सेलेनोडोंट टीथ जो होते हैं उनके क्राउन बड़े होते हैं ठीक है। तो सेलेनोडोंट टीथ विद हाई क्राउन्स फाउंड इन लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स, लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स में ठीक है सेलेनोडोंट टीथ के क्राउन बड़े होते हैं ठीक, क्राउन कैसे होते हैं उनके बड़े होते हैं और प्रिज्म शेप होते हैं, एंड प्रिज्म शेप पी आर आई एस एम प्रिज्म शेप होते हैं, एंड प्रिज्म शेप ठीक है। इस कंडीशन को हिप्सोडोंट कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज हिप्सोडोंट एच वाई पी एस ओ डी ओ एन टी हिप्सोडोंट कहते हैं, शॉर्ट में समझ लें आप, जितने लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स हैं उनमें सेलेनोडोंट टीथ के जो क्राउन होते हैं वो बड़े होते हैं ठीक है, उनके जो क्राउन होते हैं वो बड़े होते हैं और इन टीथ को हम कहते हैं हिप्सोडोंट। नेक्स्ट हेडिंग है लोफोडोंट, लोफोडोंट टीथ, नेक्स्ट हेडिंग है लोफोडोंट टीथ एल ओ पी एच ओ डी ओ एन टी, लोफोडोंट टीथ एलिफेंट्स में पाए जाते हैं, लोफोडोंट टीथ फाउंड इन एलिफेंट्स, इनमें फोल्डिंग ऑफ एनेमल और डेंटाइन कैरेक्टराइज्ड बाय फोल्डिंग ऑफ एनेमल एंड डेंटाइन,
इनमें डेंटाइन और एनेमल की फोल्डिंग होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय फोल्डिंग ऑफ एनेमल्स एंड डेंटाइन। क्रिसेंटिंग एनेमल कस्प, इनके कस्प कैसे होते हैं? क्रिसेंटिक होते हैं, कस्प क्रिसेंटिक होते हैं, CRESCENTIC, क्रिसेंटिक एनेमल कस्प पाए जाते हैं, क्रिसेंटिक एनेमल कस्प प्रेजेंट। ठीक है, कस्प पर ट्रांसफर रिजेस होती हैं, कस्प विद ट्रांसफर रिजेस, कस्प पर ट्रांसफर रिजेस होती हैं, कस्प विद ट्रांसफर रिजेस। इन ट्रांसफर रिजेस को लोफोस कहते हैं, इसीलिए टीथ को लोफोडॉन टीथ कहते हैं। तो ट्रांसफर्स रिजेस इज नोन एज लोफोस, LOPHOS, लोफोस, LOPHOS। ठीक है, फंक्शन है इसका ग्राइंडिंग। ठीक है, लोफोडॉन टीथ ग्राइंडिंग का फंक्शन करते हैं। ठीक है, लोफोडॉन टीथ के लिए होते हैं अडेप्टेड, लोफोडॉन टीथ अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, लोफोडॉन टीथ एलिफेंट से पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें इनका जो एनेमल्स होता है उस पर ट्रांसफर रिजेस होती हैं, उन ट्रांसफर रिजेस को लोफोस कहते हैं, और लोफोस के बेस पर इनका नाम रखा गया है लोफोडॉन टीथ। अब हम आते हैं, टॉपिक है डेंटल फार्मूला। ठीक है, लेकिन हरियाणा ये डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला में हम हाफ अपर जा हाफ लोअर जा के टीथ के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंसाइजर के लिए आई लिखते हैं, कैनाइन के लिए सी, प्रीमोलर के लिए पी एम और मोलर के लिए एम। ठीक है, डेंटल फार्मूला। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ डेंटल फार्मूला। देखिए, डेंटल फार्मूला में ये जॉ है, इस जॉ के हम हाफ पोर्शन को लेते हैं। ठीक है, ये जो हाफ है इसको लेते हैं। देखिए, डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला, इसमें अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, अपर हाफ जाके और लोअर हाफ जाके टीथ के नंबर को हम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। ऐसे इसमें लिखते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, यहाँ पे कौन से टीथ होते हैं? इंसाइजर होते हैं, यहाँ कैनाइन होते हैं, यहाँ प्रीमोलर होते हैं और यहाँ पे मोलर होते हैं। ठीक है, तो डेंटल फार्मूला पहले हम एडल्ट का लेते हैं, एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन का। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो वन इंसाइजर में, टू कैनाइन वन, फिर टू प्रीमोलर और मोलर थ्री, टू वन टू थ्री, ऐसी लोअर जा में टू वन टू थ्री। कितनों का ये देखिए, दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर। ठीक है, टू वन टू थ्री है ना, ये होगा एट। ठीक है, तो एट हाफ में तो डबल कितने हो जाएंगे, सिक्सटीन, और टोटल कितने हो गए, थर्टी टू, टू वन टू थ्री। ये हमने एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला लिखा। ठीक है, अब हम लिखते हैं चाइल्ड का। देखिए, चाइल्ड का डेंटल फार्मूला में इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इसमें आता है टू वन ज़ीरो टू, टू वन ज़ीरो टू, टू वन ज़ीरो टू, कितनों का ये, फाइव, तो फाइव और फाइव, तो ये हाफ में है ना, तो फुल में कितने हो जाएंगे, टेन अपॉन टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी। देखिए, जो चाइल्ड के दांत होते हैं इसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और ये दो बार निकलते हैं, इसे कहते हैं डाई फायोडोंट। तो अगर हम देखें डाई फायोडोंट का डेंटल फार्मूला यही है।
है ना, डाई फायोडोंट का डेंटल फार्मूला यही है, ठीक है, क्योंकि ये दांत दो बार निकलते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ हैं, 32 टीथ में से 20 दांत दो बार निकलते हैं और 12 दांत केवल एक बार निकलते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। देखिए मोनोफायोडोंट टीथ का डेंटल फार्मूला, ठीक है, इसका अगर हम डेंटल फार्मूला लेते हैं, ठीक है, डेंटल फार्मूला मोनोफायोडोंट टीथ का डेंटल फार्मूला है ना, केवल जो दांत एक बार निकलते हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए आप, है ना, तो क्या आएगा देखिए, ये क्या है 2123, ये क्या है 2102, ठीक है, तो माइनस कर दीजिए इसको, 0 0, है ना, और क्या हो जाएगा 2 1 0 0 2 1, ठीक है, कितने हो गए ये 3 3 अपॉन 3, तो डबल कर लीजिए, कितने हो गए 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितने हो गए 12। तो मोनोफायोडोंट का डेंटल फार्मूला है 0021 0021, ठीक है, तो 3 अपॉन 3। देखिए ये वो दांत हैं जो केवल एक बार निकलते हैं और ये वो दांत हैं जो दो बार निकलते हैं, ठीक है, ये मिल्क टीथ कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना, डेंटल फार्मूला आप इसे याद कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप बताएं जो मिल्क टीथ हैं और उसके बाद में निकलते हैं परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में डिफरेंस क्या है ना, अगर एक ही जैसे टीथ हैं तो वो टीथ टूटे क्यों थे और फिर दोबारा निकले क्यों, और अगर दोबारा निकलना ही था तो वो दांत टूटे क्यों, ठीक है, मैं आपको बाद में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल डेंटल फार्मूला मोनोफायोडोंट टीथ क्या है, 0021 0021, कितने हो गए 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, टोटल कितने हो गए 12, ठीक है। डेंटल फार्मूला नेक्स्ट है ये अटैचमेंट ऑफ टीथ, है ये अटैचमेंट ऑफ टीथ, अटैचमेंट ऑफ टीथ, पहली हेडिंग है एक्रोडोंट टीथ, ठीक है, ACRODONT, एक्रोडोंट टीथ, अधिकांश वर्टिब्रेट में एक्रोडोंट टीथ पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जॉ बोन से टीथ डार्कली अटैच होते हैं, टीथ डार्कली अटैच विद जॉ बोन से टीथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, एग्जाम्पल लिख दीजिए फ्रॉग। नेक्स्ट है प्लूरोडोंट, PLEUROODONT, प्लूरोडोंट टीथ, ठीक है, प्लूरोडोंट टीथ, देखिए एक्रोडोंट एंड प्लूरोडोंट टीथ आर रूटलेस, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टीथ दोनों में रूट नहीं पाई जाती है, आर रूटलेस टीथ, प्लूरोडोंट टीथ फाउंड इन लिजर्ट्स, है ना, प्लूरोडोंट टीथ लिजर्ट्स में और यूरोडेल्स में पाए जाते हैं, प्लूरोडोंट टीथ फाउंड इन लिजर्ट्स एंड यूरोडेल्स, URODELES, ठीक है, ये जॉ बोन की इनर साइड से अटैच होते हैं, दीज आर अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ जॉ बोन, ये जॉ बोन की इनर साइड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंटर द पल्प कैविटी, नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंटर द पल्प कैविटी, है ना, थ्रू द लेटरल साइड्स, ठीक है, इनमें इनकी पल्प कैविटी में PULP पल्प कैविटी में नर्व और ब्लड वेसल्स लेटरल साइड से इंटर करती हैं, इंटर थ्रू द लेटरल साइड। नेक्स्ट हेडिंग है थीकोडोंट टीथ, TheCODONT, थीकोडोंट टीथ फाउंड इन क्रोकोडाइल एंड मैमल्स,
थिगोडॉन टीथ क्रोकोडाइल और मैमल्स में पाए जाते हैं। टीथ बोनी सॉकेट में फिक्स्ड होते हैं। टीथ में रूट पाई जाती है, रूट प्रेजेंट इन टीथ। देखिए ये जो आप पढ़ रहे हैं ना थीकोडॉन टीथ, ये बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं, ठीक है, ये बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स्ड होते हैं। क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं, कुछ फिश में भी पाए जाते हैं, है ना, और कुछ फॉसिल्स बर्ड्स में भी मिले हैं थीकोडॉन टीथ, कुछ फॉसिल बर्ड्स में भी और फिश में भी थीकोडॉन टीथ पाए जाते हैं। मैं आपको भी समझाता हूँ, देखिए डायग्राम बनाकर। जैसे ये बोन्स हैं, ये बोन देखिए, ये बोन्स हैं, देखिए बोन्स हो गई, इस बोन्स के अंदर ये है ना रूट के लिए स्पेस है, इसके अंदर ये टीथ है, देखिए। तो ऐसे दांत को हम कहते हैं थीकोडॉन टीथ, ये थीकोडॉन टीथ कहला रहे हैं, ठीक है। तो टीथ फिक्स इन द बोनी सॉकेट, ये क्या है, बोनी सॉकेट है, ये बोन है, ठीक है, जॉ बोन, और इसे हम कहेंगे बोनी सॉकेट, ये क्या है, बोनी सॉकेट, और इसके ऊपर ही क्या है, ये गम, ठीक है, ये इनके मसूड़े हैं, ठीक है, गम से। तो टीथ किसके अंदर है, बोनी सॉकेट के अंदर है, ठीक है, इसको नाम देंगे हम बोनी सॉकेट। तो टीथ फिक्स इन द बोनी सॉकेट, इसे कहेंगे थीकोडॉन टीथ, इसे हम कहेंगे थीकोडॉन टीथ, इसे ड्रॉ कर लीजिएगा थीकोडॉन टीथ। टीथ का वो हिस्सा जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम क्राउन बोलते हैं, ये हिस्सा कहलाता है क्राउन, इसको मार्क कर लीजिए जरा क्राउन। और जो बोन के अंदर है वो रूट, जो गम्स में है वो नेक, तो ये नेक तरह से देखा जाए ये नेक है, और ये वाला हिस्सा जो है इसका वो रूट है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए इसे, ये बोन है, ये इसका सॉकेट है जिसके अंदर टीथ फिक्स है, टीथ का वो हिस्सा जो गम्स के बाहर दिखाई दे रहा है क्राउन, जो गम्स से ढका हुआ है नेक, और जो बोन के अंदर है वो रूट कहलाता है, ठीक है। थीकोडॉन टीथ मैमेलियन करैक्टर है, लेकिन कुछ फिश में भी और कुछ फॉसिल बर्ड्स में भी मिलता है ये करैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए सक्सेशन ऑफ टीथ, SUCCESION, सक्सेशन ऑफ टीथ। पहली हेडिंग पॉलीफायोडॉन्ट टीथ, POLYPHYODONT, पॉलीफायोडॉन्ट टीथ, ठीक है। पॉलीफायोडॉन्ट टीथ मतलब होता है कि टीथ कई बार रिप्लेस हो जाते हैं, टीथ रिप्लेस्ड सेवरल टाइम्स, ठीक है, टीथ कई बार रिप्लेस होते हैं, ठीक है, टीथ कई बार रिप्लेस होते रहते हैं। नेक्स्ट है डाइफायोडॉन्ट टीथ, DIPHYODONT, डाइफायोडॉन्ट टीथ दो बार निकलते हैं, इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, है ना, एंड डेवलप टू टाइम्स इन ए लाइफ में दो बार ये दांत निकलते हैं, फर्स्ट टाइम जब दांत निकलते हैं उसे कहते हैं मिल्क, और जो दोबारा निकलते हैं मिल्क टीथ, और जो बाद में निकलते हैं उसे कहते हैं परमानेंट टीथ। तो फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ टीथ क्या कहलाता है, मिल्क टीथ, एंड फॉलोड बाय द परमानेंट टीथ, ठीक है, मतलब मिल्क टीथ रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ, ठीक है। तो डायफायोडॉन्ट टीथ ह्यूमन बींग में कितने होते हैं, 20 टीथ होते हैं, ह्यूमन बींग में डायफायोडॉन्ट टीथ की संख्या 20 है, जिसका डेंटल फार्मूला है 2102/2102। नेक्स्ट मोनोफायोडॉन्ट टीथ, MONOPHYODONT, मोनो माने एक, जो दांत लाइफ में केवल एक बार निकलते हैं, ठीक है, टीथ अपीयर ओनली वंस टाइम इन ए लाइफ, टीथ लाइफ में केवल एक बार निकलते हैं,
जैसे प्लेटिपस में, प्लेटिपस और मेटाथीरियंस में। ह्यूमन बींग्स में भी मोनोफायडोन टीथ होते हैं, 12 टीथ जो हैं मोनोफायडोन टीथ ह्यूमन बींग्स में भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। मैं टीथ का डायग्राम भी ड्रा भी कर रहा हूँ और साथ में आप उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, तो टीथ को मॉर्फोलॉजिकल बेस पे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो लिखिए टीथ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश इन थ्री पार्ट्स। पहला लिखिए क्राउन। क्राउन वो है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, क्राउन वो हिस्सा है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। क्राउन वाइट या लाइट येलोइश कलर का होता है, क्राउन इज वाइट और लाइट येलोइश कलर। क्राउन एनेमल का बना होता है, है ना, क्राउन इज मेड अप ऑफ एनेमल। फिर आता है नेक, नेक कवर्ड बाय गम्स, नेक गम से कवर्ड रहता है। और रूट, रूट बॉनी सॉकेट में फिक्स होता है, रूट फिक्स्ड इन बॉनी सॉकेट। रूट के आधार पर हम टीथ को, है ना, रूट के आधार, रूट के बेस पर हम टीथ को, टीथ के टाइप को भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रूट डिसाइड द टाइप ऑफ टीथ, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। रूट की संख्या के आधार पर हम टीथ को क्लासिफाई भी करते हैं, है ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर में। ठीक है, मैं डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ और आप नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ साथ। हैंडल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। देखिए टूथ में पल्प कैविटी पाई जाती है, पल्प कैविटी फाउंड इन टूथ, जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होती है, है ना। टूथ में सेंट्रली प्लेस्ड पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी लाइन्ड बाई ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स, पल्प कैविटी में ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ठीक है, लिखिए पल्प कैविटी टीथ में पाई जाती है, पल्प कैविटी सेंट्रली प्लेस्ड कैविटी है, सेंट्रली प्लेस्ड कैविटी ऑफ टूथ इज कॉल्ड पल्प कैविटी, इट इज लाइन्ड बाई ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स। देखिए पल्प कैविटी है और ये ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स हैं। ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स, ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स लिविंग सेल्स हैं और ये डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं। ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स क्या बनाती हैं? डेंटाइन। ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट द डेंटाइन, ये डेंटाइन है। नोट कर लीजिए इसको, ओडोन्टोब्लास्ट सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं और ये डेंटाइन का फॉर्मेशन करती हैं, डेंटाइन। डेंटाइन रूट नेक और क्राउन, है ना, चारों तरफ आ जाती है। ठीक है, डेंटाइन प्रेजेंट, है ना, इन रूट नेक एंड क्राउन रीजन, डेंटाइन। पल्प कैविटी ओपन टू आउटसाइड थ्रू ए रूट कैनाल, पल्प कैविटी रूट कैनाल के द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, और रूट कैनाल से पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं। देखिए ब्लड वेसल्स एंटर इनटू द पल्प कैविटी थ्रू रूट कैनाल्स। ठीक है, और इसमें नर्व फाइबर भी पल्प कैविटी से इंटर करते हैं। देखिए नर्व फाइबर ये जो पल्प कैविटी से इंटर करते हैं। एनेमल, ये क्राउन, क्राउन इज मेड अप ऑफ एनेमल। क्राउन किसका बना होता है? एनेमल का बना होता है।
एनेमल हो गया। ये मैंने जो बनाया ये क्या है, एनेमल है। एनेमल वाइट या लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्राउन। डेंटाइन के बाहर सीमेंट लेयर पा जाती है, ठीक है। डेंटाइन एक्सटर्नली कवर्ड बाय सीमेंट लेयर। डेंटाइन के बाहर क्या होती है, सीमेंट लेयर होती है। सीमेंट लेयर डेंटाइन टीथ को बोनी सॉकेट में फिक्स रखती है। सीमेंट लेयर फिक्सेस द टूथ इन बोनी सॉकेट्स, इन बोनी सॉकेट्स। और सीमेंट के बाहर प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन होती है। प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। सीमेंट के बाहर कौन सी लेयर होती है, प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन होती है। तो प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन लाइज आउटसाइड द, लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सीमेंट, लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सीमेंट। तो इसे हम कहते हैं प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। ये प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन है और टीथ को बोनी सॉकेट में फिक्स करने का भी कार्य करती है, ठीक है। सीमेंट के बाहर कौन सी लेयर है, पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। सीमेंट के बाहर कौन सी लेयर है, पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन लेयर है, ठीक है। पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन लेयर है सीमेंट के बाहर। ये लेयर भी टीथ को बोनी सॉकेट में फिक्स करती है, ठीक है। और इसके बाहर क्या होती है, बोन्स। ये आगे देखिए बोन का पोर्शन, ये बोन है, ठीक है। ऐसी इधर ये बोन है, ये हो गया बोन। ये गम, गम नेक को कवर करता है, गम कवर्ड द नेक। ठीक है, ये हो गया, समझिए इसे एक बार और आप नोट भी कर लीजिएगा इसे। मैंने जो टीथ बनाया है वो, क्योंकि इसमें रूट की संख्या एक है तो इंसाइजर है। अगर कोनिकल क्राउन बनाएंगे तो ये कहलाएगा फिर कैनाइन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। देखिए टूथ को मॉर्फोलॉजिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नंबर एक क्राउन, नंबर दो नेक। यहां से यहां तक क्या है, ये नेक रीजन, और फिर नंबर तीन रूट, ठीक। तो टूथ डिफरेंशिएट इनटू थ्री पार्ट, क्राउन नेक एंड रूट। क्राउन टीथ का एक्सपोज पार्ट है, एक्सपोज पार्ट ऑफ द टीथ या टूथ इज कॉल्ड क्राउन। क्राउन येलोइश या वाइट होता है, क्राउन इज येलोइश और वाइट। क्राउन इज मेड अप ऑफ एनेमल, क्राउन एनेमल का बना होता है। एनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, टीथ की सेंट्रल कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं, टीथ की सेंट्रल कैविटी को पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है। टीथ आर सेंट्रली हॉलो एंड कॉल्ड पल्प कैविटी। पल्प कैविटी रूट कैनाल के द्वारा बाहर खुलती है, पल्प कैविटी ओपन टॉरसाइड थ्रू रूट कैनाल। रूट कैनाल से
ब्लड कैपिलरी इंटर करती है, रूट कैनाल से ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, ठीक है, और नर्व फाइबर भी। ये क्या है? नर्व फाइबर। देखिए तो नर्व फाइबर और ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स है ना, रूट कैनाल से इसके अंदर इंटर करती है। ये पल्प कैविटी है, इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरी है और ये क्या है? नर्व फाइबर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। पल कैविटी इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, इन सेल्स का नाम क्या है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। पल कैविटी लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, पल कैविटी के चारों तरफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स डेंटाइन बनाती हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स सीक्रेट डेंटाइन, डेंटाइन बनाती हैं, ठीक है। डेंटाइन में माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं, है ना। इन क्राउन रीजन, क्राउन रीजन में डेंटाइन एनामल सीक्रेट करती है, डेंटाइन सीक्रेट एनामल इन क्राउन रीजन, ठीक है। ये क्या है? एनामल है, ठीक है। देखिए क्राउन रीजन में डेंटाइन एनामल सीक्रेट करती है, इन क्राउन रीजन डेंटाइन सीक्रेट एनामल, एनामल क्राउन बनाता है, एनामल फॉर्म क्राउन, ठीक। डेंटाइन के बाहर, डेंटाइन के आउटर सरफेस पर सीमेंट लेयर होती है, सीमेंट लेयर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ डेंटाइन, डेंटाइन की आउटर सरफेस पर सीमेंट लेयर होती है, सीमेंट लेयर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द डेंटाइन इन नेक रीजन एंड रूट। सीमेंट लेयर नेक रीजन और रूट में पाई जाती है। इट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ टूथ इन बोनी सॉकेट्स, सीमेंट टूथ को बोनी सॉकेट में फिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। सीमेंट के द्वारा टीथ बोनी सॉकेट में फिक्स रहते हैं, ओके। टीथ के, अच्छा सीमेंट के बाद कौन सी लेयर है? सीमेंट के बाद, देखिए सीमेंट के बाद पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन होती है, पेरी ओडोंटो ब्लास्ट मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन, देखिए सीमेंट के बाहर पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन है, देखिए ए पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स एंड सीमेंट लेयर, पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन द बोन एंड सीमेंट लेयर। इट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ टूथ, और ये टूथ के फिक्सेशन में हेल्प करती है, पेरी ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन है ना, टीथ के फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। रूट की संख्या टीथ के टाइप पर डिपेंड करती है, रूट नंबर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टीथ। ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हो गया, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये गम है, ठीक है, ये गम हो गया, ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम आज डिस्कस कर रहे थे डेंटिशन ऑफ टीथ इन मैमल्स, डेंटिशन ऑफ टीथ इन मैमल्स, है ना। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। मेरी वीडियो में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है ना टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू।